तो हाई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सैकत, फिर से एक नया वीडियो लेके आप सभी के साथ हाजिर हो चुका है एक नया वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि देखिए अवेरी तो पूरा एकदम मतलब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अभी जस्ट अंदर का सिर्फ यहाँ पे ढलाई होना बाकी है, इस जगह पे फ्लोर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी तो इधर तो कंप्लीट हो चुका है। और अभी धीरे धीरे पेंट भी मतलब, और ये ऊपर देखिए अभी पेंट भी होना स्टार्ट हो गया है, आपको इधर आके पता चलेगा। देखिए इधर देखिए पेंट होना भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, शायद पता चल रहा है। और धीरे धीरे अभी तो बहुत कुछ इसमें लगाना बाकी है, ऐड करना बाकी है, जैसे कि यहाँ पे पेड़ का डाली, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ट्रे भी बन गया है इन लोगों को खाना देने के लिए, ठीक है। ये देखिए ट्रे, बहुत ही बड़ा साइज के ट्रे बन चुका है यहाँ पे, और एक ट्रे उधर बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एक सीढ़ी भी बन चुका है, सीढ़ी भी अभी तो लगाया नहीं गया है, वो फोल्डिंग सीढ़ी है, जैसे यहाँ पे रख देंगे। और जो बर्ड्स मान लीजिए छोटा बर्ड्स हो गया या उड़ नहीं पाता, तो आराम से सीढ़ी से चढ़ के ऊपर इधर आकर खाना खाएगा। और ये सब आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आप सोच रहे क्या है, बता दें। देखिए ये मतलब जो पेड़ का डाली होगा, ठीक है, उसको लगाने के लिए उसका जो सपोर्ट है, सपोर्टिंग के लिए मैंने बनाया है, इसे एडजस्टेबल है, मतलब मूवेबल है, जहाँ इच्छा किया मैंने इसको लगा सकता हूँ, फिर खोल भी सकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे नेट के अंदर ऐसे करके घुस जाएगा और पीछे से नट टाइट कर देंगे और इसके ऊपर पेड़ का डाली आराम से बैठ जाएगा इधर से उधर। तो इसी तरह 5-6 पीस मैंने बना के रखा है, और ताकि कहीं भी अगर इच्छा हो तो इसको मैं खोल के फिर एडजस्ट कर सकता हूँ। और इधर देखिए बीच में ऐसे करके एक पाइप भी दे दिया है, दो पाइप दे चुका हूँ, ताकि बर्ड्स आराम से इसके ऊपर बैठ सके। और जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं, और इस पाइप तो ऐसे खुला नहीं रखेंगे, पाइप के ऊपर अभी बहुत कुछ होना बाकी है, वो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर दिखेगा। मतलब अभी एवेरी का बहुत कुछ बनना बाकी है, जैसे कि मेरा बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे व्यूअर ने जो कमेंट किया है कि एक फाउंटेन बनाना चाहिए मुझे, तो ठीक है, फाउंटेन मैं ज़रूर बनाऊंगा। इस जगह पे सोच के रखा हूँ कि एक फाउंटेन रहेगा, ठीक है, जिससे पानी नीचे आएगा और बर्ड्स लोग वहाँ से नहाएगा, तो उसका भी बंदोबस्त किया जाएगा। अभी तो थोड़ा देरी है, और अभी बाकी अभी अंदर पेंट होना बाकी है और बहुत कुछ ऐड होना बाकी है। धीरे धीरे बहुत कुछ ऐड होगा इसमें, बहुत यूनिक चीज़ ऐड होने वाला है। मतलब मेरा एवियरी में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा, वो है ग्रीनरी आपको कॉमन मिलेगा, चारों तरफ से पेड़ से ढका हुआ, पीछे सामने चारों तरफ देखिए, आप उधर भी देख सकते हैं, उधर भी बहुत मतलब पेड़ से घिरा हुआ। तो इसीलिए और ज़्यादा पेड़ बढ़ाने के लिए कुछ पेड़ लेके आएंगे आप मेरे एवियरी में, कुछ छोटे छोटे पेड़ लेके आएंगे एवियरी में। तो पेड़ कहाँ से लेके आएंगे, एक फार्म है बहुत ही पुराना मेरे घर का, जस्ट यहाँ पे दो घर पार करके एक फार्म है, और कैनल है, एक डॉग कैनल है, ठीक है, बहुत ही पुराना डॉग कैनल है, और बहुत ही अच्छा डॉग कैनल है, बहुत बड़ा है। अभी तो उनके पास थोड़ा बहुत बर्ड्स भी है, डॉग्स भी है अच्छे अच्छे, और जो है ट्री भी है, बहुत एक से एक बहुत अच्छे अच्छे ट्री है, बॉन्साई जिसको बोला जाता है, बॉन्साई बंगाली में हम लोग बॉन्साई ट्री बोलते हैं उसको, और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो बॉन्साई ट्री वो कलेक्शन बहुत अच्छा अच्छा बॉन्साई ट्री का कलेक्शन है उनके पास। तो चलिए अभी उनका फार्म जाएंगे विजिट करने, तो देखते हैं उनका फार्म में जाकर कितना अच्छा अच्छा ट्री का कलेक्शन मिलता है। तो वहाँ से कुछ ट्री मैं अपना फार्म के लिए मतलब अपने एवेरी के लिए लेके आऊँगा। तो चलिए कैनल पर जाके मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो हम लोग आ चुके हैं, मतलब वो जो जिस कैनल पर आने के बाद था वहाँ पर आ चुके हैं। देखिए पीछे ट्री का कलेक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसी को बंगाली में बोनसाई बोला जाता है, लेकिन हिंदी में क्या बोलता है मुझे ठीक से पता नहीं, ठीक है। अभी तो थोड़ा देर बाद जो ओनर है फार्म का, जो ओनर है, ठीक है, उनसे बात करेंगे क्या क्या ट्री है, क्या क्या स्पेशलिटी है इस ट्री में, ठीक है, ऐसा ट्री कैसे बनाया जाता है, सब चीज़ पूछेंगे आप लोगों को, सब चीज़ दिखाया जाएगा। और आइए पीछे और भी थोड़ा सा गाछ हम लोग दिखा देते हैं, और इधर देख सकते हैं डॉग्स भी है इनके पास, जैसे कि मैंने बोला डॉग्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए डालमिशियन का पपी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बहुत ही प्यारा सा चार पपी, अभी सबने खाना खाया है इसलिए मुँह में खाना लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चार बहुत ही अच्छा मैं निकाल के दिखाता आप लोगों को, देखिए ये देखिए डालमिशियन का पपी, बहुत ही प्यारा पपी है, बहुत ही अच्छा, ऐसा 4 पपी यहाँ पे अवेलेबल है डालमिशियन का, ठीक है। अगर आप लोगों को डालमिशियन का पपी भी चाहिए तो आप लोग यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और पीछे इधर और भी सारे ट्री है, देखिए इस टाइप का ट्री कैसे बनता है ये हम लोग सब आज देख पूछेंगे और जानेंगे सर से कैसे कैसे ये ट्री बनता है। ये जैसे कि मुझे लग रहा है ये 1-2 साल का ट्री नहीं है, बहुत साल से बनाया गया इसको बहुत अच्छे से। तो जैसे कि मुझे अंदाज लगता है मोटे मोटे 40-50 ईयर्स एगो मतलब पुराना होगा ये सब ट्री। तो और भी पीछे बर्ड्स का भी सेटअप है, यहाँ पे ग्रे पैरोट है, एक पेयर, सब दिखाएंगे, ठीक है। तो एक बार पहले फार्म दिखा देते आप लोगों को, उसके बाद जो ये फार्म का जो ओनर है उनसे बात करेंगे कि फार्म को कैसे मेंटेन करते, इतना अच्छा फार्म कैसे मेंटेन करके रखे हैं, ठीक है, सारा चीज़ दिखाएंगे। और देखिए इधर भी बहुत सारा ट्री आप लोगों को दिख रहा होगा,
देखिए इतना अच्छा अच्छा ट्री का कलेक्शन, मुझे तो नाम भी नहीं पता अच्छे से, सब पूछेंगे ठीक है सर से, आज सब चीज़ पूछेंगे कैसे कैसे ट्री मेंटेन करते हैं और इन सब का क्या क्या नाम है, क्या क्या स्पेस मतलब क्या काम में आता है, सब चीज़ आज बताया जाएगा आपको लोग वीडियो में। आइए देखते हैं। और पीछे सर का बहुत ही एक अच्छा पिजन सेटअप भी है, बहुत ही एक्जॉटिक पिजन सेटअप है, नॉर्मल इंडियन पिजन नहीं, एक्जॉटिक पिजन का भी सेटअप है ब्रीडिंग फार्म में, वो भी दिखाएंगे। और डॉग्स भी बहुत सारा है यहाँ पे, जैसे आपको डालमिशन दिखाया गया और थोड़ा अंदर दिखाएंगे। अभी लैब का भी पपी, कुछ दिन पहले लैब का पपी भी हुआ है, देखिए आइए वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लैब्राडोर का फीमेल है और इसका बेबी हुआ, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया ये, ठीक है। देखिए उधर बेबी आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पर सोया हुआ, वो देखिए फ्रेंड्स वहाँ पे बेबी दिख रहा होगा, अभी बहुत ही छोटा है, लगभग अभी 6-7 दिन उम्र का ही है, इसीलिए अभी उनको छू नहीं पाएंगे ठीक है। और आइए पीछे हम लोग इधर जाएंगे, पिजन का सेटअप भी देखेंगे, एक्जॉटिक पिजन का जो सेटअप है ब्रीडिंग सेटअप है वो भी दिखाएंगे। आइए फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए ये भी एक टाइम का मतलब बहुत बड़ा कैनल था, अभी तो इतना सारे डॉग्स नहीं है क्योंकि सर का उम्र भी हो चुका है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इतना सारे डॉग्स भी मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन एक टाइम पे बहुत ही बड़ा कैनल था और अभी थोड़ा बहुत है डॉग्स ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लैब का पपी है, बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी का लैब का पपी, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वाओ, बहुत ही मैसिव क्वालिटी का लैब पपी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, मेल पपी है एक। वाओ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैसिव क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, नो डाउट क्वालिटी लेके आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये फार्म जो मेंटेन करते हैं यही अंकल अभी फार्म मेंटेन करते हैं ठीक है, यहाँ पे सारा डॉग्स का बर्ड्स का ध्यान रखते हैं यही अंकल, तो इनसे भी बात करेंगे थोड़ा देर बाद कैसे मेंटेन करते हैं, और सर जी से भी बात करेंगे जिसका ये फार्म है इतना बड़ा फार्म ठीक है। तो चलिए अभी पिजन सेटअप भी दिखा देते हैं आप लोगों के लिए, और इधर आइए पिजन सेटअप, यहाँ पे पिजन का जो सेटअप है जब इतर जब, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक एक्जोटिक पिजन का सेटअप है ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ एग्स भी ले किया हुआ, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए फ्रेंड्स ठीक है। वाह, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, ये किंग, मुझे जितना अच्छा से पता है ये शायद किंग है। ये कौन सा ब्रीड, कौन सा ब्रीड का पिजन है यहाँ पे? किंग का। किंग किंग और सिर्फ किंग है, और सब पूरा किंग का ही एक मतलब ओरिजिनल क्वालिटी किंग, आप देख सकते हैं कितना है। किंग का मुझे जितना पता है एकदम छोटा साइज का होता है किंग, देखिए वहाँ पे एक मेल बैठा हुआ है, हाँ एकदम छोटा साइज का किंग होता है ठीक है। और ये सिर्फ किंग का ही ब्रीडिंग फार्म है, किंग पिजन यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए ब्रीड में भी है बहुत, यहाँ पे देखिए एक पिजन शायद इसका चिक्स भी आया है इसीलिए इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, नहीं ये तो एक ले किया हुआ और शायद चिक्स भी, हाँ हाँ देखिए फ्रेंड्स नीचे किसका कुछ चिक्स भी आया है, देखिए फ्रेंड्स ये तो अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, ये तो इसका अंदर चिक्स है शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, नीचे चिक्स है। और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो इसका जैसे कि मुझे दिखा एक अंडा है और 2-3 चिक्स है इसका अंदर ठीक है, बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग सेटअप। ये शायद ये सब भी कुछ ही दिन में ब्रीडिंग पे ब्रीड पे आ जाएंगे। और भी बहुत सारा डॉग्स है यहाँ पे, वो भी दिखा देते आप सबको, आइए इधर यहाँ पे देखिए एक लैब्राडोर है, और देखिए सारे पिजन्स यहाँ पे ओपन घूमते हैं, देखिए खुला, ये देखिए इधर भी पिजन्स सारे घूम रहे हैं ठीक है, कहीं पे भाग के नहीं जाते, सारे ओपन छोड़ा हुआ रहता है। सुबह 7 बजे को जैसे मुझे सर जी ने बताया, सुबह 7 बजे के खाना देता है और 7 बजे सब आके यहाँ पे खाना खाता है और फिर सब इधर उधर घूमते रहता है, फिर शाम का टाइम ये अपने अपने आके घर में सब घुस जाते हैं। और देखिए यहाँ पे एक लैब का फीमेल, लैब्राडोर का फीमेल है ब्लैक कलर का, और इसके बगल में एक फॉन कलर का लैब्राडोर का फीमेल है, ये सब एडल्ट फीमेल है ठीक है, कुछ दिन पहले इनका सब लीटर आया है मतलब ब्रीडिंग पे आया था, अभी तो सारा इनका पपी जो है सेल हो चुका है।
और आइए इधर भी कैनल है, यहाँ पे भी फार्म है, देखिए यहाँ पे भी एक लेब्राडोर का फीमेल है। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक बॉक्सर का मेल है, ठीक है, सोया हुआ है, दोपहर का लंच करके सोया हुआ है, इसीलिए ज़्यादा डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, ठीक है। वो भी गुस्सा हो रहा धीरे धीरे। तो चलिए अभी सर जी से बात कर लेते हैं, ये सब फार्म को कैसे मेंटेन करते हो। मेन जो पूछना है हमें ट्री के बारे में, इतना अच्छा से ट्री, मतलब कैसे ये सब ट्री को बनाते हैं, ठीक है। फिर से देखिए लैब का पपी कितना प्यारा, जितना बार देखता हूँ बस बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी का पपी है। और यहाँ पे कुछ एग्जॉटिक बर्ड्स जैसे अफ्रीकन ग्रे का पेयर है, आइए, बहुत ही पुराना, बहुत ही एडल्ट पेयर है और शायद ब्रीडिंग पे भी है, मेल जो है देखिए बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, और अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो रहा है। और देखिए मेल जो है, हाँ फीमेल तो बॉक्स के अंदर है और मेल जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, देखिए। और फीमेल तो बॉक्स के अंदर अभी है, निकला नहीं है अभी, जैसे कि सर जी ने बोला कि कुछ दिन पहले से मेटिंग कर रहा है, अभी तक तो एग ले नहीं किया है, और ये फीमेल अभी बॉक्स के अंदर है, ठीक है, तो शायद कुछ ही दिन में इसका भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हम लोगों को दिख जाएगा। चलिए और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से जाते हैं। और यहाँ पे देखिए पाइनएप्पल और येलो साइड का भी पेयर है, यहाँ पे ये सारे ब्रीड बॉक्स के अंदर है, मतलब सारे एग ले किया हुआ है, यहाँ पे एक पेयर है और यहाँ एक और नीचे एक इधर, और इसके अंदर चिक्स भी है, सर जी ने जैसे बोल रहा है इसके अंदर चिक्स भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक नहीं करेंगे, ज़्यादा डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल डोर सिस्टम नहीं है, तो बाई चांस कुछ भी हो सकता है, इसीलिए रिस्क नहीं लेंगे। और ऊपर देखिए यहाँ पे सिराज बोल के एक पिजन होता है, ग्रुप है, उसका भी यहाँ पे ब्रीडिंग सेटअप है। इसका पीछे तरफ जो किंग पिजन होता है उस क्वालिटी का जो ब्रीडिंग सेटअप पीछे है, और यहाँ पे सिर्फ सिराज का कलेक्शन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी सिराज का कलेक्शन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। और देखिए पूरा का यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ मुझे अच्छा लगता है, ये सारे पिजन जो है ओपन खुला हुआ रहता है, कहीं पे भी भाग के नहीं जाता, सुबह सब खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं, उसके बाद फिर शाम का टाइम अपने आप सारे अंदर घुस जाते हैं। देखिए कैसे बिल्डिंग के ऊपर, छत के ऊपर सारे बैठा हुए हैं, और जब भी मतलब शाम होता तुरंत आके अंदर एक एक घुस जाता है, इतना अच्छा से ट्रेंड किया हुआ सारे पिजन को, मतलब बहुत ही अच्छा सेटअप है, बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप। आप लोग एक बार आएंगे तो आप लोग भी घूम के बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए अभी फार्म का जो ओनर है सर जी से भी बात कर लेते हैं, सर जी भी आ गए हैं।